किनारों से सरकारें न बदल सकती है न बन सकती है। लोकतंत्र में सरकार प्रदेश की जनता मतदाता बनाए। आज भाजपा की सरकार माननीय मुख्यमंत्री केवल रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं। आपका इसका आधार होना चाहिए। क्या आपने 5 साल के विकास का पूरा मॉडल क्या था, पूरी रिपोर्ट कार्ड क्या था? वो हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग के साथ जो पिछले मैनिफेस्टो में भाजपा के नेताओं ने जो भी वादे किए थे उस पर आज चर्चा होनी चाहिए। जो सत्ता में होता है ये उनका धर्म है। वो 5 साल बाद प्रदेश की जनता को बताएं कि हमने आपके लिए क्या किया, किस वर्ग के लिए क्या किया। मैं आज ईमानदारी के साथ कहता हूँ, आज तक के हिमाचल के राजनीतिक इतिहास की सबसे कमजोर सरकार और कमजोर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में। ये जनता जनार्दन है, ये बताएं कि कमजोर है या दमदार है। संजय चौहान हमारे साथ हैं, जो हमेशा लाल झंडा और डंडा लेकर सरकार चाहे भाजपा की हो कांग्रेस की हो खड़े रहते हैं। तो ये जो लाल झंडा और डंडा है इस बात कितना मजबूत दिखाई दे रहा है। आपके साथी टिकेंद्र चुनाव मैदान में है शिमला से, एक बार पहले आप ये सीट जीत चुके हैं राकेश सिंघा जी के सामने, आज क्या हालात है? मुकेश भाई, सबसे पहले तो आपका इस पुराने शहर में स्वागत है। मैं समझता हूँ इस प्रश्न का जवाब जनता बेहतर तरीके से हिमाचल प्रदेश की दे सकती है। एक विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में CPM के राकेश सिंघा, जो किसानों के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे, कर्मचारियों के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, उनको जो है निरंतर तौर पर विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर जनता के संघर्षों में खड़े रहे हैं। किस लिए? वो जो रिवाज और रियाज की बात की जा रही है, आपने ठंड का जिक्र किया, ये पहाड़ की खूबसूरती है, शिमला शहर की खूबसूरती है, लोग ठंड का मजा लेने आए। कल इन्होंने प्रयास किया गृह मंत्री महोदय को लेकर यहाँ पर, वो भी